मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवियन ई लर्निंग क्लासेस आफ्टर समर वैकेशन। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। लेट अस स्टार्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। इसमें हमारी यहाँ पर 3 एक्सरसाइज है जिसके फॉर्मूले यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। बिटवीन टू पॉइंट्स क्लियर क्या है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस के वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस के वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस के वाई टू। नेक्स्ट आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। क्लियर। इस प्रकार से आप 7 चैप्टर को इन फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर आपने लेट द पॉइंट्स ए एंड बी। तो आप लिखेंगे एक्स वन क्या है यहाँ पर टू, वाई वन क्या है थ्री, एक्स टू क्या है फोर और वाई टू क्या है वन। चलिए इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस के वाई वन का होल स्क्वायर। क्लियर। एक्स टू क्या है आपका फोर माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। फोर माइनस टू टू का स्क्वायर माइनस के टू का, तो क्या हो गया फोर प्लस फोर क्या हो गया एट, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं टू रूट टू। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों को हमने पी पी मान लीजिए ए माइनस बी एंड क्यू माइनस ए माइनस बी। क्लियर। आपकी डिस्टेंस हो गई पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस के एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस के वाई वन का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक्स टू क्या है आपका माइनस के ए माइनस के ए एक्स वन, इसी प्रकार से वाई टू है आपका माइनस के बी, यह आपका माइनस के बी और ये आपका बी। क्लियर। यहाँ पे वाई टू आपका माइनस के बी और वाई वन है आपका बी, तो माइनस के बी, तो माइनस के क्या हो गया टू ए का होल स्क्वायर माइनस के टू बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो क्या हो गया फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं क्या फोर, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फोर को आप बाहर निकाल सकते हो तो क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द पॉइंट्स वन फाइव टू थ्री एंड माइनस टू माइनस इलेवन आर कोलिनियर। तो देखिए सबसे पहले नेट द पॉइंट्स
ए 15, बी 23 एंड सी -2 -11। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कॉलिनियर, कॉलिनियर कब होगा? दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर व्हेन ओनली व्हेन टू सम, टू का सम, अगर टू डिस्टेंस का सम अगर हम थर्ड के इक्वल देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या है कॉलिनियर है। जैसे यहाँ पे आपका जैसे ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और क्या है सी ए निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पहले समझ लें इसको कि कॉलिनियर क्या होगा कि इन्हीं दो का सम, जैसे ए बी प्लस बी सी को अगर हम सम करें तो क्या है थर्ड यानी सी ए के इक्वल आता है तो आपका कॉलिनियर होगा, या बी सी प्लस सी ए को का हम सम करें तो क्या है ए बी के इक्वल आएगा, तब हमारा यहाँ पे क्या होगा कॉलिनियर। तो क्या है सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी दीज पॉइंट्स आर कैन बी कॉलिनियर ओनली व्हेन द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट। क्लियर? ये अभी मैंने आपको ए बी बी सी लेंथ से आपको समझाया था। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए बी आप डिस्टेंस निकालिए क्या है, देखिए ए और बी, ए का यानी कि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो टू माइनस के वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव। क्लियर? तो ए बी क्या हो गया वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, तो वन का वन प्लस टू का फोर इजिकल टू क्या हो गया रूट फाइव। ए बी के बाद बी सी, तो बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए तो बी और सी का यूज करेंगे, बी का एक्स वन वाई वन और सी के एक्स टू वाई टू माइनस के इलेवन माइनस के टू प्लस सॉरी माइनस के टू और माइनस के टू और माइनस के इलेवन माइनस के थ्री का होल स्क्वायर। क्लियर? पहले एक्स टू माइनस के एक्स वन, वाई टू माइनस के वाई वन, तो क्या हो गया माइनस के फोर का स्क्वायर प्लस माइनस के फोर्टीन का होल स्क्वायर, फोर का हो गया माइनस फोर का क्या हो गया सिक्सटीन, फोर्टीन का क्या हो गया 196, टोटल करिए तो क्या हो गया 212। आप इसको कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ आप सी ए निकालें या ए सी, ए की बात है तो क्या हो जाएगा ए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू क्या हो गया माइनस के टू माइनस के वन का होल स्क्वायर माइनस के इलेवन और माइनस के फाइव का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस के थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस के सिक्सटीन का होल स्क्वायर, माइनस थ्री का नाइन और वन सिक्सटीन का होता है हो गया आपका 256। क्लियर? तो यह आपका हो गया 265। तो देखिए यहाँ आपका ए बी, यह आपका बी सी और यह आपका ए सी है, इसको हम लिख सकते हैं टू रूट 53 लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपका देखिए क्या है कौन से आप उसे कहा है कि दीज पॉइंट्स कैन बी कॉलिनियर ओनली व्हेन सम ऑफ लेंथ्स और टू लाइन सेगमेंट, या तो आपका ए बी प्लस बी सी होना चाहिए किसके ए सी के इक्वल, या बी सी प्लस ए सी होना चाहिए ए बी के इक्वल, यही होता है कॉलिनियर में। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी, नॉट इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएगा एज द पॉइंट्स आर द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर नॉट कॉलिनियर। क्लियर? आर नॉट कॉलिनियर, ये हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया है। क्वेश्चन फोर, चेक वेदर 5 -2 -6 4 and 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल पूछ रहा है, आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स के चेक करना है कि ये आपका है या नहीं है।
तो नेट थ्री पॉइंट्स, नेट थ्री पॉइंट्स ए फाइव माइनस टू, बी सिक्स फोर एंड सी सेवन माइनस टू। आइसोस के ट्रायंगल्स आप जानते हैं क्या होता है कि किन्हीं भी दो जो ये ट्रायंगल है तो ए बी सी, तो आइसोस के ट्रायंगल्स होगा ए बी और ए सी क्या होगा इक्वल, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी, या किन्हीं भी दो साइड्स क्या होनी चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए, तब आपका क्या होता है आइसोस के ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे बाईसेक्शन फॉर्मूला, सॉरी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू सेम उसी की तरह ए बी, तो एक्स टू क्या है आपका सिक्स, एक्स वन है फाइव होल स्क्वायर, फोर प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ए बी आपका आ गया वन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, रूट क्या हो गया वन प्लस थर्टी सिक्स रूट थर्टी सेवन, क्लियर। बी सी, बी सी में आप देखेंगे तो सेवन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस के फोर का होल स्क्वायर, तो सेवन वन हो गया प्लस माइनस के सिक्स का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस सिक्स का थर्टी सिक्स तो रूट थर्टी सेवन। बी सी के बाद ए सी, ए और सी का यूज करेंगे तो सेवन माइनस के फाइव प्लस माइनस के टू प्लस के टू का होल स्क्वायर, यहाँ आपका है वाई टू माइनस के वाई वन, तो आपका क्या हो गया सेवन माइनस टू टू का स्क्वायर, और ये आपका कैंसिल हो गया माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ आपका क्या हो गया फोर, क्या हो गया रूट फोर इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे आपको ए बी इज इक्वल टू किसके है, ए बी क्या है बी सी के इक्वल है, हैज द पॉइंट्स ए फाइव माइनस टू सिक्स फोर एंड सेवन माइनस टू आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलियन ट्रायंगल्स। इस प्रकार से यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। थैंक्स।